नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से रूबरू हूँ बीए फाइनल ईयर के छात्रों के साथ में, और हम चर्चा कर रहे हैं अपने सेकेंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है भारत के संदर्भ में विविधताओं के देश के रूप में। भारत ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, इंडिया ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज का जो फॉर्म है, आइए उस पर देखें बात करें। पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे भारत के लोकेशनल स्वरूप पर बात की थी और स्थिति पर बात की थी। भारत के साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के संदर्भ पर बात की थी। आइए भारत की डाइवर्सिटीज़ पर चर्चा करें। छात्रों, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रखता है और विश्व का सातवां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इतने बड़े देश में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विविधताओं का पाया जाना स्वाभाविक है, और वैसे भी हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ही समृद्ध रही है। उस आधार पर भी विविधताओं का स्वरूप तो हमारे यहाँ परिलक्षित होना ही है। आइए हम इस पर कुछ प्रमुख भौगोलिक दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं। पहली बात करते हैं जियोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ की, संरचनात्मक विविधता की। संरचनात्मक दृष्टि से समस्त भारत को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है, और ये तीनों भाग एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं और अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। ये जैसे प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पर्वत तथा उससे संबंधित पर्वतमालाएं, और सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान। विस्तार से हम जब फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पर बात करेंगे, वहां पर इनके एक एक भाग की चर्चा आपसे की जाएगी। हाँ, विविधताओं के डाइवर्सिटीज के क्रम में आप देखेंगे भारत के मानचित्र को रख करके, तो यह स्पष्ट परिलक्षित होता है। सदर्न प्लेटो का जो पार्ट है हमारा, प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग जो है, ऊपर हिमालय की पर्वत श्रृंखला व उससे संबंधित पर्वतमालाओं का जो क्रम है, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के स्वरूप से निर्मित पर्वत क्रम है, और इनसे ही निकली हुई नदियों का जो क्रम अपनी एक विशिष्टता रखता है, विशाल मैदान बनाता है, को भारत का उत्तरी मैदान भी कहा जाता है, जो अर्धचंद्राकार रूप में पश्चिम में सिंधु नदी के डेल्टा से पूर्व में गंगा नदी के डेल्टा तक विस्तृत है। कई वैज्ञानिकों का मत है कि इस मैदान की उत्पत्ति, जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, एक आरंभिक भ्रंश घाटी में तलछट के निक्षेप से हुई, जो उत्तरी पर्वतीय चाप के सम्मुख फैली हुई थी तथा भूपृष्ठ में हुए विसर्जन या फ्रैक्चर से इसका निर्माण हुआ है। सुंदरबन के निरंतर बढ़ते हुए डेल्टा से इस बात का प्रमाण मिलता है कि इस विशाल मैदान का निर्माण अभी भी जारी है। संरचनात्मक विविधता का यह स्वरूप, बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार पर, तो भारत के दक्षिण के भाग में यह प्राचीन पठार स्थित, जिसे दक्षिणी पठार कहा गया, तीन दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है यह पठार। भूवैज्ञानिकों का विचार है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम खंड है, और भूपट्टी है प्रमुख प्लेटों में से एक प्लेट है, इसे भारतीय प्लेट की संज्ञा दी जाती है। यह पुरातन भूपट्टी सैलों का
बना हुआ है जो पूर्व कैम्ब्रियन महाकल्प या पूर्व कैम्ब्रियन एरा में निक्षेपित अवसादों से समुद्र की सतह के ऊपर उठने के पश्चात फिर कभी समुद्र में नहीं डूबा। ये सपाट उच्च भूमि सारे समय दृढ़ एवं अगम्य खंड के रूप में बनी रही, अतः इसकी तुलना प्रायः हॉस्ट से की जाती है, उत्खंड से की जाती है। हिमालय पर्वत तथा उससे संबंधित जो पर्वतमालाओं का क्रम है, इनका क्रम यंग फोल्ड्स या नवीन बलित पर्वत के रूप में इन्हें विद्वानों ने संज्ञा दी है। लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ये इनका निर्माण स्वीकारा गया है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की भूगर्भिक हलचलों से। डाइवर्सिटीज का दूसरा क्रम आता है जिस पर बात कर रहे थे, वह है धरातलीय विविधताओं का। धरातल संबंधी विविधताएं जितनी भारत में हैं संभवतः अन्य राष्ट्रों में उतनी नहीं हैं। इसके उत्तर में गगनचुंबी हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों का क्रम भी रखती हैं। बर्फ से ढका रहता हुआ अधिकांश समय वाला भूभाग, विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां इसी प्रदेश में हैं, जिनमें से एवरेस्ट, कंचनजंघा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि प्रमुख हैं। तीव्र ढाल वाली ये पर्वत श्रेणियां अभेद्य हैं और इन्हें पार करना मनुष्य और पवनों के लिए दोनों के लिए कठिन हो जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के बिल्कुल विपरीत भारत का उत्तरी मैदान है, यह एकदम मंद ढाल वाला सपाट मैदान है और कहीं पर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर से भी अधिक नहीं है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में भारत का प्रायद्वीपीय पठार, यह विश्व के प्राचीनतम भागों में अपनी स्थिति रखता है, जहां नदियां प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो चुकी हैं। इसके विपरीत हिमालय से निकलने वाली नदियां अभी युवावस्था में हैं। जलवायु संबंधी व्यवस्था की बात करें, डाइवर्सिटीज ऑफ क्लाइमेट की, तो भारत में जलवायु संबंधी संरचनात्मक तथा धरातलीय विविधताएं कम हैं। यद्यपि भारतीय जलवायु को समूचे तौर पर मानसूनी कहा जा सकता है, तथापि यहाँ की जलवायु में स्थानिक तथा सामयिक विविधताएं स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। भारत की जलवायु की विशेषताओं को हम निम्न रूप में बात कर सकते हैं। राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में जून माह में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जबकि उसी दिन कश्मीर के पहलगाम गुलमर्ग का तापमान काफ़ी कम रहता है। अधिक ऊंचाई पर तो तापमान हिमांक से भी कम हो जाता है और हिमालय के उच्च पर्वतीय भाग सदा बर्फ से आच्छादित रहते हैं। दिसंबर में रात्रि के समय द्रास और कारगिल का न्यूनतम तापमान ऋणात्मक होता है, जबकि तिरुवनंतपुरम या चेन्नई का तापमान 20 से 22 तक। मौसिनराम की औसत वार्षिक वर्षा 1221 सेंटीमीटर, जबकि जैसलमेर की कुल वार्षिक वर्षा 12 सेंटीमीटर। ये सब उन विविधताओं को इंगित कर रही हैं जो हमारे इस विशाल भूभाग से जुड़ी हैं। जुलाई तथा अगस्त माह में बंगाल के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय मैदानों में हर तीसरे या पांचवें दिन वर्षा वाले प्रचंड तूफानों का आगमन, जबकि 1000 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कोरामंडल तट शुष्क रहता है। अधिक वर्षा के कारण जुलाई माह में ब्रह्मपुत्र की घाटी में भयंकर बाढ़ का स्वरूप, जबकि राजस्थान में फसलों के लिए जल का अभाव आदि, ये विशिष्ट जलवायुगत डाइवर्सिटीज का स्वरूप देखने को मिलता है। वनस्पति संबंधी बातें करें तो जलवायु संबंधी विविधता जहाँ पर मिलेगी, वहीं साथ साथ उसके अनुरूप ही वनस्पति का क्रम भी बनेगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदा पर्णी वन पाए जाते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन उगते हैं। इसके विपरीत राजस्थान की मरुभूमि में शुष्क जलवायु वाले वन देखने को मिलते हैं, जिनमें बबूल, कीकर तथा कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। स्थानिक समय की अगर विविधताओं की बात करें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। और इस प्रकार भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री देशांतर घूमती है। इस प्रकार एक डिग्री देशांतर पार करने के लिए 4 मिनट का समय। अतः अरुणाचल प्रदेश से सौराष्ट्र के बीच स्थानीय समय का अंतर लगभग 2 घंटे का है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सौराष्ट्र के पूर्व में है, इसलिए वहाँ सूर्योदय पहले होता है। जनसंख्या के वितरण में भी विविधता देखने को मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में भी डाइवर्सिटीज परिलक्षित होती है। भौतिक तत्वों की विविधता के कारण जनसंख्या के वितरण में यह स्वरूप मिलेगा। एक तरफ लद्दाख और थार जैसी मरुभूमियाँ हैं जहाँ मानव डेंसिटी बहुत कम है, वहीं पर नदियों के मैदान व डेल्टाई भूभाग हैं जहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो भारत की डाइवर्सिटीज़ का स्वरूप रहा। साथ ही यूनिटी विद इन डाइवर्सिटीज़ की बात करें, अनेकता में एकता की बात करें, तो भारत के भूगोल का विशिष्ट लक्षण विविधता ही नहीं बल्कि उसमें पाई जाने वाली एकता भी है, जिसका विकास समय के साथ हुआ। और इसके जो सहायक कारक हैं उनमें धरातलीय एकता, जिसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पर्वत और उत्तरी विशाल मैदान एक दूसरे से अलग नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर की ओर विस्थापित होने से टेथी सागर की तलछट में वलन पड़ गए और हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। मानसूनी जलवायु की बात करें तो भारत के प्रदेशों की जलवायु में स्थानीय अंतर पाया जाता है। इस अंतर के बावजूद संपूर्ण देश की जलवायु मानसूनी है, क्योंकि भारत में ऋतु लय एवं मानसूनी पवनों का ऋतुओं के अनुसार चलना संपूर्ण देश में एक साथ होता है। इसी तरह से सांस्कृतिक व सामाजिक गुणों में भी हमारे यहाँ एकता है। विश्व बंधुत्व की भावना जुड़ी हुई है। सांस्कृतिक सामाजिक गुणों में एक समृद्ध धार्मिक पृष्ठभूमि का भी स्वरूप है, जो हमारे लिए एक मिश्रित व्यू या कंपोजिट मैट्रिक्स का स्वरूप निर्मित करता है। आर्थिक दृष्टि से भी हमारे बहुत सारे पक्ष एक दूसरे पर आधारित हैं। तो ये एक स्वरूप है डाइवर्सिटीज़ का और डाइवर्सिटी के बीच में यूनिटी का। धन्यवाद। अगले चैप्टर पे, अगले वीडियो में किसी नए विषय पर आपसे बात करेंगे।